गाइस मैं हूँ शिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वाओ की एक वाइड रेंज का रिव्यू। आप लोगों के लिए मेरा प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा फॉर्मिंग फेस वॉश, और इसमें लगा हुआ है सिलिकॉन ब्रश, जिसकी वजह से ये मेकअप रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी वीडियो शूट की और अभी फेस पर मेकअप लगा हुआ है, तो मुझे करना था इस बहुत ही प्यारे से फेस वॉश का रिव्यू। तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है इसका रिव्यू करने के लिए, और इसको यूज करना है बहुत ही ज्यादा सिंपल। जस्ट पंप आउट करना है थोड़ा सा और सिलिकॉन ब्रश पर प्रोडक्ट आ जाएगा, देन इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसके की इंग्रेडिएंट हैं एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब इसी तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो अब मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि मुझे करना अपना फेस वॉश। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने फेस को वेट कर लेती हूँ, सो दैट कि इस प्रोडक्ट को यूज करना हो जाएगा आसान। मेरा फेस वॉश करने के बाद इसको अच्छे से शेक करें। पास एक बार प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, और इससे ना मेकअप रिमूव करना सच में बहुत आसान है। मैं आपको डायरेक्ट, अभी मैंने मेकअप बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया, मैं सारा मेकअप इसी सिलिकॉन ब्रश के थ्रू रिमूव करने वाली हूँ, और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से पूरा मेकअप निकल जाता है। खुशबू एक तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, एलोवेरा जेल इसमें है तो ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। फेस वॉश करने के बाद सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ ये वाव का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर, और ये बहुत अच्छा है। आप इसे बिफोर मेकअप भी ट्राई करेंगे तो इससे ना फेस का ग्रीजीनेस बिल्कुल कम हो जाता है और आपका बेस बहुत ज्यादा शाइन करता है। प्लस मैं नॉर्मली भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर। गाइस टोनर हो गया मेरा बहुत अच्छे से ड्राई, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होता है, और अब मैं अप्लाई करूंगी ये वाओ की एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम। की इंग्रेडिएंट है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ए, B3, B5, सी एंड ई, और ये स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना देता है। टोनर अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करें तो आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग होगा। टेक्स्चर है इसका बहुत ज्यादा स्मूथ और एकदम फाइन है। नॉर्मल आप इसको डॉट डॉट करके अप्लाई करें, और मेकअप करने के बाद तो सीरियसली अपनी स्किन को पैम्पर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग बनी रहे। और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ इसको। तो इसे अच्छे से अपने फेस पर स्प्रेड कर लें, और ये बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगती। लगाने के बाद ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ फेस पर अप्लाई किया है। प्लस ये स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करती है, और अगर यही रूटीन आप फॉलो अप कर रहे हैं नाइट में, तो जस्ट ये क्रीम स्किप करके आप ये सीरम को यूज कर सकते हैं। वाओ का स्किन साइंस ऑयल फ्री ब्लमिशिंग केयर सीरम, जिसमें कोई पैराबेन नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। ये सीरम हेल्प करेगा एक्ने को, और जो ब्लमिशिंग हो जाती है, लाइक झाइयां हो जाती हैं, उन सभी को रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी इसका टेक्सचर, प्लस सभी स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं कि ऑयली के लिए है, एक्ने प्रॉन के लिए है, या ड्राई स्किन के लिए, आपकी स्किन जैसी भी है, मतलब किसी भी तरह की स्किन में ये सूट हो जाएगा। टेक्सचर था इसका काफी स्मूथ, और इसे अप्लाई करना है जस्ट 5 to 6 ड्रॉप अपने हैंड पर लेनी है, उसे डॉट डॉट करके जहां आपके एक्ने हैं, लाइक जहां आपको ब्लमिशिंग है, वहां अच्छे से स्प्रेड करके लगाना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आई होप गाइज वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।